आप सभी को ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं एक और औषधि के साथ उपस्थित हूँ और आप सभी को एक सुंदर जानकारी दूंगा इन औषधि के बारे में। ऐसे यह प्रायः पूरा भारतवर्ष में मिलता है, इसकी दो तीन प्रजातियाँ होती है, तो मैं इनकी औषधि प्रयोग आप लोगों को बताऊंगा। आप ध्यान से इस मेरी वीडियो को देखिए और समझिएगा। मेरे पीछे जो पौधा लगा हुआ है उसी के बारे में चर्चा करके आप लोगों को बताऊंगा, तो मेरी वीडियो को एंड तक के जरूर देखना और समझना। ऐसे इसको गोटारण कहते हैं, ये देखिए ये गोटारण गोटारण है, इसकी पत्ती का आप पहचान कर लीजिए। ये है, इसमें कांटे लगे होते हैं, आपको कांटे दिख जाएगा इस तरह से, ये देख सकते हैं इसमें। अब इसके डंठल पर भी कांटे लगे हुए हैं, ये देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसमें कांटे, पूरा पूर्ण रूप से इसमें कांटे लगे होते हैं, सर्वस्त्र कांटे पूरा, और मेरे को पकड़ भी लिया है ये, इस तरह से इसमें कांटे। बड़ी मुश्किल होती है, इसमें अगर लग जाए तो चोर यहाँ से छुड़ा कर नहीं भाग पाएगा, इतनी इसमें तेजस्वी होती है यह औषधि। तो आप इसको देख सकते हो, इस गोटारण के पौधे से आयुर्वेद में अनेक प्रकार के आप उपचार कर सकते हैं, नाना प्रकार के। ये देखें इसको, इस गोटारण के, जैसे किसी को बब्बा सिर हो गया हो तो इसके पत्ते को तोड़ लीजिए, ये वाला पत्ता तोड़ करके पीस करके जिस जगह पर खूनी हो या बादी बब्बा सिर हो उस जगह पर इसको पुलिष्टी बांध देते हैं, तो बब्बा सिर के मस्से को सुखा करके यह ठीक करता है। और इसके पत्ते का रस पीना चाहिए, इससे भी आपके जो बब्बा सिर में जो खून बहता हो उसको भी निवारण करता है। और जैसे किसी को सर्प ने काटा हो तो क्या कीजिए, इसमें फल लगता है, एकदम कड़वा होता है वो फल, और उस फल का गिरी निकाल करके पीस करके जिस जगह सर्प ने काटा हो उस जगह पर अगर आप लगाते हो तो सर्प के विष को निवारण करता है। साथ में उसको खिलाना चाहिए फल को, पर ध्यान रहे छोटे बच्चों और गर्भवती माता पर इसकी हिसाब से प्रयोग करें, क्योंकि यह अत्यंत गर्म प्रकृति का होता है, अगर गर्भवती माता खिला जाए तो उसके गर्भपात गिरा देता है, यह प्रमाणित औषधि है। इसके साथ साथ यह पथरी में इनके पत्तों का रस को पीना चाहिए, इसके पीने से ही पथरी को गला करके निकाल देता है यह गोटारण। तो आप इस गोटारण को अच्छी तरह से देख लीजिए, और आपको इसमें कांटे होते हैं, इसके फूल इस तरह से आते हैं, देख रहे हो आप, ये है इसका पुष्प, इस तरह से इसमें फूल लगते हैं, अभी आने को टाइम है अभी इसमें फूल। तो इस तरह से इस गोटारण का आप प्रयोग कर सकते हैं। खांसी में भी इसका पत्ते का रस पीने से भी खांसी का समस्या, श्वास है, दमा है, इसमें भी यह लाभ आता है और लाभ करता है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर दे, इधर भी लगा हुआ है ऊपर की ओर, ही देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा, इस जगह बहुत सारा था लेकिन सब क्या है, सब उखाड़ कर इसको फेंक दी, इस कारण से इसको ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी होगी, और मैं अपनी वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। आप सभी को हरिओम नमस्कार।